हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं 11 एंड मैं रेडी हो चुका हूँ एंड मम्मी अभी किचन में है। तो चलिए देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। मेरे ख्याल से तो ब्रेकफास्ट ही बना रही होंगी। एंड सॉरी फॉर मैं इतने दिन तक व्लॉग नहीं बनाया, तो उसके लिए दिल से सॉरी गाइस। मैं वैसे अब से रेगुलर रहूँगा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, किचन में आ चुके हैं। मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हैं, आपको दिखा। तो मम्मी चूरा मटर ब्रेकफास्ट में बना रही हैं। हाय बोलो तो मम्मी। सो यार, मम्मी को बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए बहुत जल्दी से बोल के चल गई। वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है, उसके बाद बाद में हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। चूरा मटर एंड बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मैंने वैसे एक स्पून खा भी लिया। अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अरे गाइस, हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अब हम लोग चल रहे हैं स्टडी करने। और एंड अब बहुत सारा हम लोगों को स्कूल से वर्क भी मिला है, तो जो पेंडिंग है तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टडी अपने स्टडी रूम में चलते हैं, अपना वर्क करेंगे, फिर मजे करेंगे आपके साथ। सो ऑल सेट गाइस, अब अपना वर्क हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं एंड फिर आपसे मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से वर्क कंप्लीट हो गया एंड थोड़ा टाइम लगा मगर अच्छे से कंप्लीट हो गया। एंड अब हम लोग चल रहे हैं लंच करने, तो देखते हैं लंच में क्या बना है। हे गाइस, सो अभी हो रहा है 5:30, शाम के 5:30 बज रहे हैं एंड अभी हम चल के देखते रूम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे अम्मा बैठी है और दादा भी यहाँ पे बैठे हैं। हाय बोल दो दादा। अम्मा हाय बोल दो। तो बाहर हमारा घर कुछ इस टाइप का लगता है, ये हमारी गैलरी है। तो यहाँ पर अभी गोलू कूलर में पानी भर रहा है एंड ये भी हमारा आगे वाला रूम है इस साइड, एंड उस साइड भी हमारा आगे वाला रूम है। यहाँ पे एक कूलर लगा है इस वाले रूम में आगे वाले, तो यहाँ पे पानी भर रहा है ये। तो भाई कितना भरा देखते हैं अभी कितना भरा। ओ भाई, भरने ही वाला है, बस देख सकते हो आप। यहाँ तक हम लोग भरते हैं, यहाँ तक जहाँ तक मेरे फिंगर थे ना, यहाँ तक भरते हैं हम लोग। तो अभी वहाँ तक भरना है। तो और क्या करना है गोलू? अभी गमले में पानी डालना है। अच्छा, तो गमले में पानी डालना है। इसे छत पे चलोगे? हाँ, पूरा पानी भर के। अच्छा, तो अभी हम लोग छत पे भी जाएंगे। तो आगे चल के देखते हैं कौन क्या कर रहा है। हे मम्मी, क्या कर रही हो? देख रहा है। अच्छा, हमें देख रही हो? तो अभी पापा भी घर पे नहीं है, अब वो गए मेडिसिन लेने, तो फिर वो आएंगे तो फिर देखेंगे वो क्या करते हैं एंड उनसे भी मिलवाएंगे आपको। वैसे आप पहले भी आप उनको वीडियो में देख ही चुके हो। एंड हमारा पैरेट झूला झूल रहा है अपने केज में, तो ये बहुत सही है, ये भी खुद के मज़े में है। सो ये अभी देख रहा है कि क्या कर रहा है ये बंदा, कर क्या रहा है। अभी पापा आए थे एंड अब जा रहे हैं उस वाले घर कार से। अरे भाई, कार धुल दिया? कार तो ये धुल लिया, कुछ पेड़ों में पानी भी डाल दिया, फिर हम इसके बाद चलेंगे छत पे।
और लाडली एंड गोलू छत पे आ चुके हैं एंड हम लोग करेंगे स्किपिंग एंड गोलू लाडली अभी उस साइड हैं। हमारे एक रेंटर हैं, उनके घर में हमारी बॉल चल गई थी तो उन्हीं अंकल पूछ रहे हैं कि कहाँ है, आपके पास है या नहीं, किधर गई थी, वो लोग बता रहे हैं। तो वो लोग अंकल दे देंगे फिर बॉल, उसके बाद हम लोग कल से बॉल से खेलेंगे एंड अभी स्किपिंग रोक। एंड हमारे छत से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। मैं कैमरा को ज़्यादा नीचे नहीं ले जा रहा ताकि अगर ये गिर गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ इसी तरीके का व्यू है। राइट साइड से कुछ इस साइड का दिखता है हमारा छत एंड ये पूरा है हमारा छत, बहुत बड़ा सा। आगे भी अभी वो लोग बैट बॉल खेल रहे हैं तो इसी वजह से हम भी उधर नहीं जाएंगे क्योंकि चोट वोट लग जाएगी या कैमरे पर बॉल आ जाएगा तो दिक्कत है। तो करते हैं स्किपिंग। सो अभी फर्स्ट लाडली कर रही है, देखते हैं ये कहाँ तक कर पाएगी एंड हमें कितना टारगेट देगी। क्यों स्टार्टिंग से करो फिर, अभी काउंट ही नहीं कर रही है। सो अभी फर्स्ट लाडली है, इसके बाद डिसाइड होगा कौन जाएगा। क्या हुआ, थक गई, थका। टारगेट दी सिक्स, तो ये सिक्स में ही आउट हो गई। तो अब गोलू जा रहा है, देखते हैं क्या। तो वो पहले कर ली थी, प्रैक्टिस कर रही थी तो इसीलिए वो थक गई है तो वो अभी नहीं कर सकती। एंड गोलू तो बहुत अच्छा वाला करता है यार, मज़ा आ जाता है देख करके। तो देखते हैं अभी ये मैदान में जाते हुए, अब देखते हैं कि क्या सीन है। क्या हुआ, टूट गया, टूट गया था तो स्क्रू जो है ढीला हो गया था। तो ये एडजस्टेबल है, किसी भी साइज में भी आ सकता है। क्या हुआ भाई, फिर से टूट गया, बांध दो ना। देखते हैं क्या करना है। ओ यार शिट, हो गया, हो गया भाई, मेरे को तो लगा वो टूट ही गया। लाडली ने सिक्स तक किया था, ये सेवन तक इसे करना है तो इसके बाद ये जीत जाएगा। तो देखते हैं, कितने हुए हैं? देखो भाई हंस रहा है ये। ओहो लगते हैं 20 से भी ज़्यादा हो गए। कितना हुआ, हाफ सेंचुरी भाई, 50 कर लिया ये। देखते हैं मैं कितना बना पाऊँगा भाई। लाडली से जीत रहा है, अब देखते हैं मैं कितना, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। चाट कितना हुआ, 50। तो मैंने भी 50 ही बनाया, टाई हो गया फिर। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं नीचे, खेल खेल के थक गए और तो चले चलते हैं। कौन, तुम ये ले रही हो? ओके तो लाडली ने इतना सामान लेकर के आई थी एंड गोलू भी स्टूल ले जा रहा है तो, और पानी भी आया लेकिन पानी कोई नहीं पिया अभी। नहीं रुक जाओ यार। एंड हाँ पहले आपको छत दिखा देते हैं कि हमारा छत कैसा है, उसके बाद चलेंगे। तो ये साइड स्टेयर्स हैं एंड ये हमारा छत वाला गेट है, इसके बाद हम यहाँ से एंट्री करते हैं। तो पहले तो हमें इस साइड का व्यू देखने को मिलता है, ठीक है, फिर इस साइड का, हाँ फिर इस साइड भी है छत पे। ये बाथरूम है एंड ये है एंड फिर कुछ साइड इस एरिया भी है, इस एरिया में भी है एंड इस साइड से आपको व्यू दिखाते हैं। उस साइड से तो मैंने आपको दिखा दिया एंड इस साइड से भी पहले आपको दिखाई दे, कुछ इस साइड से इस साइड का व्यू हमें देखने को मिलता है एंड सामने भी घर, इधर भी घर, इधर भी घर, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया एंड इस साइड भी है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे काउज वगैरह रहते हैं एंड ये पूरा रोड है एंड हमारे जस्ट सामने ये हमारे बुआ का घर है। ओके तो हम लोग चलते हैं नीचे, चले तो चलते नीचे। आ चुके हैं एंड सबसे पहले हम लोग हैंड वॉश करेंगे क्योंकि कहीं से भी आप बाहर तक कहीं से भी आप अंदर आ रहे हैं घर के अंदर तो सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है। अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो ये बहुत सारे लाइक अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, तो इसमें भी आपको
बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपने हाथ को वॉश करेंगे। एंड आप कुछ भी खा लो अगर ये कहीं से भी, तो जितने भी जर्म्स होंगे आपके हैंड्स में तो सब सारे मुंह में जाएंगे, तो इसीलिए हमें सबसे पहले हैंड वॉश करना है। तो ओके बाय। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब भी बाहर से आइएगा तो अपना हैंड वॉश कर लीजिएगा। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड वॉश कर लीजिएगा बाहर से आने के बाद, एंड रेगुलर भी करते रहिएगा। एंड बाय द वे गाइस, आदित्य भी यहाँ आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि पापा उस घर गए थे, तो आदित्य को भी लेकर के आए हैं, एंड आंटी, चाचू एंड इसकी छोटी बहन भी आई है जिसका नाम अन्नू है। सो इसी के साथ करता हूँ मैं व्लॉग को एंड। सो टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।